सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को मुंबई हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है। कोर्ट में अब जमानत याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी। रिया और शोविक ने 22 सितंबर को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। एनसीबी ने ड्रग केस में 9 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिया और शोविक न्यायिक हिरासत में है। रिया चक्रवर्ती ने जमानत याचिका में कहा है वह निर्दोष है और एनसीबी जानबूझकर उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। चक्रवर्ती ने कहा वह सिर्फ 28 साल की है और एनसीबी की जांच के अलावा वह पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की 3 जांच और समानांतर मीडिया ट्रायल का सामना कर रही है। रिया ने अपनी याचिका में दावा किया है सुशांत राजपूत मादक पदार्थ खास तौर पर गांजा का सेवन करते थे और वह तब से इसका सेवन कर रहे थे जब वे दोनों संबंध में भी नहीं थे। उन्होंने कहा कभी कभी वह उनके लिए कम मात्रा में मादक पदार्थ की खरीद भी करती थी और कई अवसरों पर उन्होंने इसके लिए भुगतान भी किया, लेकिन वह खुद किसी भी मादक पदार्थ गिरोह की सदस्य नहीं है। रिया ने कहा कि उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके पास से किसी तरह का ड्रग बरामद नहीं हुआ है। गौरतलब है कि रिया पर एनसीबी ने कई आरोपों के लिए मामला दर्ज किया है। इसमें मादक पदार्थ की अवैध तस्करी का वित्त पोषण करना भी शामिल है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A के तहत मामला दर्ज किया गया है और यह धारा आरोपी को जमानत देने पर रोक लगाती है।